खरगोन जिले में लॉकडाउन के चलते किसानों को बड़ी दिक्कतों के दौर से गुजरना पड़ रहा है। इसका पता तब चला जब भारतीय किसान संघ अपनी मूलभूत मांगों को लेकर सड़कों पर उतरा और जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल खरगोन जिले के राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने किसानों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों ने मांगों का उल्लेख करते हुए मीडिया से चर्चा में इस बात का खुलासा किया कि लॉकडाउन के अंतर्गत किसानों को आर्थिक मंदी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। वहीं हर मामले में किसानों का दोहन हुआ है और राहत पाने के उद्देश्य को लेकर मुख्यमंत्री को अवगत करवाना हमारी जिम्मेदारी है, जिससे किसानों का उत्थान हो सके। खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। ये जो 2 लाख रुपए की ऋण माफी जो है वो हम मुख्यमंत्री जी से मांग करें कि 2 लाख रुपए तक की किसानों की ऋण माफी जल्द माफ की जाए। और आज जो शहीद किसान दिवस जो हमारे मंदसौर गोलीकांड में किसान शहीद हुए थे, उनको उसके रूप में एक शहीद किसान दिवस के रूप में मनाया गया, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक्का जी ने पूरे देश में इस शहीद किसान दिवस को मनाया जा रहा है। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि किसानों की समस्या कि किसानों को पूर्ण तरह MSP दी जाए, ताकि किसान किसी प्रकार से कोई चीज़ नहीं चाहता, किसानों को उसकी फसल का भाव मिला जाए। अभी मक्का जो है 700-800 रुपये बिक रही है, कोरोना में किसानों का गेहूँ 1200-1300 रुपये बिका, फिर भी किसानों ने जो है 70 साल से किसान इस त्रासदी को झेल रहा है, लेकिन सरकार 60 दिन तक इस त्रासदी को नहीं झेल पाई। तो हमारा ये उद्देश्य है कि सरकार बड़ी बड़ी बातें ना करते हुए इस बात पर ध्यान दे कि वास्तव में किसान 70 साल से देश की इस स्थिति को निपट रहा है। आप 60 दिन तक इस कोरोना की महामारी में नहीं निपट पाए, किसानों पर ही देश चल रहा है, इस बात का पूरे हर व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई कि वास्तव में अगर किसान नहीं हो तो ये देश नहीं चले। इसलिए किसान भाइयों की भी सरकार सुने, प्रशासन के लोग भी सुने, ताकि किसानों को उसकी फसल का मूल्य मिले, किसानों का पूरा कर्जा माफ हो, तभी किसान खुश होगा और खुशहाल होगा। धीरज मिश्रा, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ, जिला उपाध्यक्ष। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।